मुझे ये बैग दे दो और तुम ऐसे निकल जाओ। तुम्हें कोई जरूरत नहीं इस बैग को उस तक पहुंचाने की। तेरे कहने का मतलब क्या है? मतलब यही कि मेरे दिमाग की मरम्मत करो, मुझे बस ये बैग दे दो। मैंने अपने हाथों में चूड़िया तो नहीं पहन रखा है ना? तो तुम लोग को पता चल गया होगा कि ये मिशन में फेल करने वाला था यानी। मुझे इसी लोकेशन पर बैक पहुंचाना है। तो इसी जगह पे बैग पहुंचाना था। क्या हम दोनों का रुकना यहां सही होगा? चलो कुछ तो दिमाग है। इसकी बात कर रहे हैं ना, क्योंकि मेरे पास तो है। बैग को यहाँ से निकालो कैसे? और इसे देख के लग रहा है कि अभी बैग की फिराक में नहीं, बैग तो मैं ले जाऊंगा। फिक्र मत करो, मैं ये बैग लेकर कहीं भागने वाला नहीं हूँ। मैं तो ये सोच रहा था कि अभी तक ये बैग को कोई लेने क्यों नहीं आया, और वैसे भी काफ़ी देर हो गया है, अभी तक तो मुझे कोई लीड भी नहीं मिला।
एक काम करता हूँ, सीधा उसी कॉल करके देख लेता हूँ जिसने हमें ये मिशन दिया। ओह शिट, तभी तो अभी तक मुझे कोई इंस्ट्रक्शन ही नहीं आ रहा था, मेरे मोबाइल में तो नेटवर्क ही नहीं है। अच्छा, तभी तुझे पता नहीं किस बैग का क्या कांड है। रुक जरा, मैं ट्राई करता हूँ। ये नंबर है? हाँ। उसका तो कॉल ही नहीं ले रहा है। मैं देखता हूँ। अबे हमको मिशन देने वाला ही स्विच ऑफ हो गया। क्या मतलब? मतलब ये कि उसका मोबाइल स्विच ऑफ है। अब क्या होगा, मुझे तो पता भी नहीं। अब इस बैग का करना है। तभी तो बोल रहा हूँ ये बैग मुझे दे दो और तुम दोनों फ्री हो जाओ। ए भाई, मैं भी हूँ लाइन में, और वैसे भी ये जिसने हमें काम दिया है ना उससे ज़्यादा अच्छी जान पहचान है मेरी। तू तेरा खास है क्या? खास तो नहीं लेकिन पास तो है। अब तो गन निकाल के बात करूँ, थोड़ी जान दे। मुझे तो लगता है ये बैग के अंदर ही कोई लीड है, क्यों ना हम ये बैग को खोल कर देखें। नहीं, ये बैग हमें नहीं खोलना चाहिए। ऐसा क्यों? क्या पता इस बैग में बॉम्ब हो या फिर साथ कुछ ऐसा जिससे हमारे जान को खतरा हो। और वैसे भी तुझे अभी तक कोई लीड भी नहीं मिला है, और हमें थोड़ा और इंतजार करके देखना चाहिए, पर इस बार चुपके। चुपके? चुपके क्यों? क्या पता जिसे ये बैग लेना हो वो हम तीनों को देख के नहीं आ रहा हो। ठीक है, इस बार चुपके भी देख लेते। कोई चाल तो नहीं है, और वैसे मुझे पूरा कन्फर्म हो गया है कि इसे पता है किस बैग का क्या कांड है। बस बहुत हो गया। हो गया तेरा चपंच भाई, खेल लिया गेम। मैंने तुम दोनों से पहले बोला था कि ये भाई मुझे दे दो और तुम ऐसा निकल लो। ठीक है, अब बैग लेके मैं जा रहा हूँ। मेरे होते तो कतई नहीं। तू भी ताली बजा रहा है। मुझे लगा किसी का जन्मदिन होगा। जन्मदिन तो नहीं पर हम मरण दिन जरूर होगा। नाइस गेम प्ले, काफी अच्छा खेले तुमने, पर अब कोई फायदा नहीं क्योंकि अब इस गेम में मेरी भी एंट्री हो चुकी है। मुझे भी मैसेज मिल चुका है जिसमें साफ साफ लिखा है कि तुम्हारा ये मिशन कंप्लीट हो चुका है और तुम्हारे मिशन के पैसे इस बैग में। तो अपनी काबिलियत साबित करो और इस बैग को ले लो।
तभी तो मैं सोचूं कि तुम दोनों ये बैग के पीछे इतना क्यों पड़े। मतलब ये मैसेज तुम लोगों को पहले ही मिल चुका था। अच्छा, तो तुझे भी पता चल गया, तो तू भी जाएगा? ले, तेरा जोड़ीदार आ गया। देखो, आपस सबको पता है कि इस बैग में पैसे हैं। हमें आपस में कुछ फायदा नहीं है, और वैसे भी हमें मिशन कंप्लीट होने का मैसेज कब आया? ये बैग दूसरे के हाथ में लगने के बाद। इसका मतलब साफ है, वो हमें आपस में भिड़ा रहा है, और हमारी समझदारी इसी में कि हम पैसा आपस में बांट ले। नहीं नहीं नहीं, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं अपने पैसे को बांटने में। ये सही बोल रहे हो, अभी पैसे आपस में बांट लेंगे। अगर मैं पैसे लूँगा तो पूरे लूँगा। तो ठीक है, पैसे ना ही तुम छोड़ने वाले हो और ना ही तुम, और छोड़ने वाला तुम नहीं होगा। तो खेल लेते फिर मौत। रुको, मैं कोई भी ऐसा काम नहीं करता हूँ जिसमें मेरी जान को खतरा हो, तो मैं अब इस गेम से बाहर हूँ। क्या बात है, और चूहे खा के बिल्ली चली हंस को? ये पहला प्लेयर तो कल ही नॉकआउट हो गया। ठीक है, अब बचे हैं तुम और मैं, तो हो जाए मौका गेम। रुको, मैं भी ऐसे गेम नहीं खेलता, इसमें चीटिंग हो। चीटिंग मतलब क्या थे? मतलब साफ है, जो पहला प्लेयर है ना बहुत चालाक है, ये आपस में हम दोनों को भिड़ा रहा है ताकि जो कमजोर पड़े उसके ऊपर हावी हो जाए। ये तो वाकई काफी चालाक है। चालाक यही नहीं, तुम भी काफी हो। या तो तुम इस गेम के मोहरे हो या तो मास्टरमाइंड। तेरा मतलब क्या? क्योंकि तुम जो मैसेज पढ़ रहे थे तो तुम्हारे आंखों का एक्सप्रेशन बिल्कुल भी मैच नहीं हुआ, और वैसे भी जब तुम्हें ये पहली बार बैग मिला तुम्हें देख के लगा नहीं तुम बैग लेके भागने वाले हो, बल्कि ऐसा लगा कि तुम किसी का इंतजार कर रहे हो। अब तुम्हारे लिए रियल निकाल लिया। मुझे ऐसी हुनरबाजी तलाश है, और तुम इस मिशन के लिए बिल्कुल परफेक्ट हो। सही पहचाना तुमने, मैं इस गेम का मास्टरमाइंड हूँ, और मुझे तुम जैसी लोगों की तलाश है। मैं एक बहुत बड़ा मिशन करने वाला हूँ, और तुम इस मिशन के लिए बिल्कुल परफेक्ट हो। नहीं, मैं इस मिशन के लिए बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं हूँ। मैं तो वो आदमी हूँ जिसे अपने वजूद का भी ठिकाना नहीं है। एक बात बोलूँ, मेरे लिए इससे बड़ी शर्म की बात क्या हो सकती है कि मुझे मेरे टैलेंट पे भरोसा दिलाने के लिए तुम लोग इतना बड़ा गेम खेले मेरे साथ। ए, क्या बोल रहा है तू? हम दोनों क्या? यही कि मुझे सब कुछ याद आ रहा है। आखिर कब तक हम इसे ऐसे नशे की हालत में रखेंगे? जब तक ये मिशन के लिए हम ही ना बढ़े। उठ रे, उठ जा, उठ। मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूं, तुम इस मिशन के लिए तैयार हो या नहीं? मैं तुमसे पहले बोला है, मैं इस मिशन के लिए तो क्या, तुम्हारा किसी मिशन के लिए परफेक्ट नहीं है। मैंने सोचा था तुम टैलेंटेड ही नहीं, काफी होशियार भी, पर खैर तुम्हारी इस पैसे के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी जर्नी। अभी ये क्या किया तूने? मार दिया कैसे? नहीं, मैंने बस इस इंजेक्शन के जरिए इसकी बीते हुए कल को पूरी तरह से भुलवा दिया, और वैसे भी ये अपना आत्मविश्वास पूरी तरह से खो चुका है। तो यही, सबसे पहले तो हमें इसका आत्मविश्वास पूरी तरह से बढ़ाना होगा, और जिसके लिए हमें इसके साथ एक बहुत बड़ा गेम खेलना होगा। गेम? कैसा गेम? और तू कहना क्या चाहता है? यही कि हम इस गेम के जरिए इसका आत्मविश्वास पूरी तरह से बढ़ा देंगे। तो क्या इस इंजेक्शन के जरिए अपने बीते हुए कल को हमेशा के लिए भूल जाएगा? अब ये तो मुझे भी नहीं पता। तो क्या तेरे नाम के आगे डॉक्टर ऐसी लगा है?
मैं अभी भी बोल रहा हूँ तुम्हारे मिशन के लिए मैं जरा परफेक्ट नहीं हूँ। अब क्या होगा? पता नहीं। और अब तू क्या करेगा? सबसे पहले तो ड्रग्स लूंगा। अब वो तो चला गया और मुझे नहीं लगता है कि वो वापिस आएगा। पता नहीं पर क्यों मेरा दिल बोलता है वो जरूर आएगा। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों। तो गाइस फाइनली हमारा सेकंड पार्ट आ चुका है। तो गाइस आप सेकंड पार्ट देख चुके होंगे। और गाइस अभी भी अगर आपको स्टोरी नहीं समझ में आई तो जाके इसका पहला पार्ट वॉच कीजिए, तभी आपको स्टोरी समझ आएगी। और गाइस हमें एक चीज बहुत बुरा लगता है कि आप लोग वीडियो देख लेते हैं बट उसको लाइक और कमेंट नहीं करते, तो प्लीज ये करिए। गाइस अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन का बिल दबाना बिल्कुल भी ना भूले, ताकि जैसे हमारी कोई नई वीडियो आए तो आपके पास आ जाए सबसे पहले। और गाइस आपको अगर हमारे बिहाइंड द सीन देखने हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सभी को फॉलो कर लो। और गाइस मिलते हैं ऐसी नई वीडियो में और भी अच्छे अच्छे कॉन्टेंट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।